अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। देवरिया सदर सीट पर कांटे की टक्कर, हर पार्टी ने मैदान में उतारा समर्ण उम्मीदवार। सपा, बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस सब ने ब्राह्मणों को दिया टिकट। पार्टियों के ब्राह्मण कार्ड से आवाम हुई परेशान। कौन बनेगा देवरिया से विधायक, ये सबसे बड़ा सवाल। 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में देवरिया सदर विधानसभा पर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। गजब बात यह है कि देवरिया सदर सीट पर हर पार्टी ने ब्राह्मण कार्ड खेला है और हर दल ने एक ब्राह्मण नेता को टिकट दिया है। ऐसे में मतदाता परेशान है कि आखिर वो किस दल को अपना मत दें। परेशान मतदाताओं के साथ सियासी पंडितों का कहना है, जो हालात देख रहे हैं उससे किसी की जीत का दावा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी का ही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन सी पार्टी से किस ब्राह्मण नेता पर दांव लगाया गया है। समाजवादी पार्टी ने ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी को टिकट दिया है। बीएसपी ने भी ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए चुनौती पेश की है। बीएसपी ने अभय मणि त्रिपाठी को मैदान में उतारा है। बीजेपी की तो पहचान ही सियासत में सवर्ण चेहरे की है। बीजेपी ने सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बात कांग्रेस की करें तो वो भी ब्राह्मण कार्ड की भेड़चाल में शामिल है। कांग्रेस ने मुकुंद मणि भास्कर को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। भागीदारी संकल्प मोर्चा की बात करें तो अनिल चौहान को मोर्चा ने टिकट दिया है। किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि देवरिया सीट पर हर पार्टी का ब्राह्मण प्रेम दिखाई देगा। देवरिया सदर पर अब हर तरफ बयार पंडितों की बह रही है और पंडित उम्मीदवारों के सहारे सियासी गंगा को पार करने का सपना हर दल देख रहा है। वैसे तो देवरिया सीट पर समीकरण बदले दिख रहे थे, लेकिन अब सपा और बीजेपी में ब्राह्मण कार्ड के सहारे जंग रोचक मोड़ पर हो गई है। ऐसे में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का रुख जिस दल की तरफ होगा, जीत उसी दल को मिलेगी, क्योंकि सवर्ण वोटर्स का बंटवारा हो चुका है। देखना दिलचस्प होगा कि किसका ब्राह्मण कार्ड सफल साबित होगा और किसे बम्पर जीत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।